चलिए आज हम ना पांचवा हाउस शुरू करेंगे, फिफ्थ हाउस। नीरज जी, पांचवा हाउस जो है, लिख लो, ये पहली संतान के लिए है, ये संतान का भाव है, और ये हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज का भाव है, ये बुद्धि का भाव भी है, इंटेलेक्ट जिसे बोलते हैं आप, और ये फिल्म का है, फिल्म आर्ट, कल्चर, ड्रामा, म्यूजिक। और ये जो है क्रिएटिव एक्टिविटीज का भी है, ये एंटरटेनमेंट का भी है, एम्यूजमेंट का भी है। और साथ में स्टॉक एंड शेयर, गाइनोकोलॉजी। ओके, जितनी भी आर्ट या फिल्म से, म्यूजिक से रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन करना फिल्म लाइन के अंदर या फिर डायरेक्शन करना, ये सब पांचवें हाउस का पोर्टफोलियो है। दो या तीन कारणों के लिए आपके पास लोग आएंगे। पहला तो आएंगे कि भैया संतान जन्म नहीं ले रही है, ठीक है, उसके अंदर भी वो थक मान के आएंगे। वो जब पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, भाई अगर किसी के घर साल दो साल संतान नहीं होती है तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, वहां भी अगर वो नहीं हो रहा तो फिर वो मंदिर गुरुद्वारों में गेड़े काटते हैं, चक्कर लगाएंगे, ठीक है, वहां भी नहीं हो गया तो फिर वो लास्ट में ज्योतिष के पास आते हैं कि चलो अब कोई ये हमारे को कोई उपाय बताएंगे, कोई रेमेडी बताएंगे, हम वो करेंगे। और दूसरा जो है ये, भाई मैं स्टॉक एंड शेयर मार्केट को अपना व्यवसाय बनाना चाह रहा हूँ, प्रोफेशन, क्या मैं उसमें, मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, मैं धन कमा पाऊंगा उसमें। और तीसरे लोग जो आपके पास आएंगे, वो आएंगे जी मैं स्टॉक एंड शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड शेयर मार्केट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, मैं विल आई अर्न थ्रू इट और नॉट, ठीक है, बाकी और कोई कारणों के। या फिर चौथा एक और बंदा आ सकता है आपके पास, कोई पेरेंट्स आ सकता है कि भाई मेरे बच्चों को म्यूजिक या एक्टिंग का बहुत शौक है, क्या वो इसको कैरियर बनाएगा तो उसमें सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस कर पहले आज देखते हैं संतान के लिए, लिखो ऊपर लिख दीजिए चाइल्ड बर्थ, प्रॉमिस फॉर द चाइल्ड बर्थ, ये लिखिए प्रॉमिस फॉर चाइल्ड बर्थ। देखें चाइल्ड बर्थ का मूल भाव जो है पांचवा है, लिख लो मूल भाव, द प्राइमरी कस्प पे 5। सपोर्टिंग कस्प आर 2 एंड 11, 2 और 11। 2 का मतलब है एडिशन इन द फैमिली, और 11th इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्स, इच्छा पूर्ति का है। और सबसे पहले लिखो प्रॉमिस फॉर द चाइल्ड, लिखेंगे नंबर 1 पे करिए, एज यूजुअल सबसे पहले लगन के प्रॉमिस पढ़ना पड़ेगा, लिखें असेंडेंट सब सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व 5 और 2 और 11। असेंडेंट सब सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व 5 और 2 और 11, एंड इट शुड नॉट गेट नेगेटेड, एंड इट शुड नॉट गेट नेगेटेड एट सब एंड सब सब लेवल, मीन्स कमिटमेंट लेवल और फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर उनका नेगेशन ना हो जो हाउस इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है जी। इसको लिख लें फॉर एग्जाम्पल ए एरो बी सी डी कर लें, फॉर एग्जाम्पल ए एरो बी सी डी, ए के नीचे लिख दीजिएगा ये असेंडेंट का सब सब लॉर्ड है, पांचवें की इन्वॉल्वमेंट करा दीजिएगा, 2 से कमिट करा दें, और 2, 5 या 11 के साथ फाइनल कंफर्मेशन करा दें, फाइनल कंफर्मेशन विद 2 और 5 और 11 और विद ऑल और विद द सपोर्टिंग कास्ट फ्रॉम द इन्वॉल्व हाउस, और विद द सपोर्टिंग कास्ट फ्रॉम द इन्वॉल्व हाउस।
उसमें क्या क्या अब आएगा सपोर्टिंग कास्ट में? सर अगर दूसरा इन्वॉल्व हुआ है तो उसके लिए सपोर्टिंग कौन सा है, चौथा छठा जो उसके फेवरेबल है? ठीक है, अब लिखिए पांचवें की इन्वॉल्वमेंट करके 11 से कमिट करा दें। पहले पांच की इन्वॉल्वमेंट करके 2 से कमिट कराया, अब पांचवें की इन्वॉल्वमेंट करके 11 से कमिट करा दें, फिर 11 की इन्वॉल्वमेंट करके 5 से करा दें, 11 की इन्वॉल्वमेंट करके फिर 2 से करा दें, फिर 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 5 से करा दें, फिर 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 11 से करा दें। इस प्रकार से लास्ट लाइन बोलना सर, लास्ट लाइन क्या है? 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 11 से कमिट कराएं। तो इस प्रकार तो के सर ये निर्देश बी लेवल पे सपोर्टिंग हाउस नहीं ले सकते? सर लिया लिया तो है हमने, क्या बोला 2 और 5 और 11 और द फेवरेबल कास्ट फ्रॉम द इन्वॉल्व हाउस लिखा तो है अभी अभी। नहीं, बी लेवल पे, इन्वॉल्वमेंट लेवल पे चार ले सकते हैं क्या सर? चार या छह? सर 4 इज नॉट अ हाउस ऑफ चाइल्ड बर्थ, चौथा तो एजुकेशन का है या प्रॉपर्टी का है, वो इसका थोड़ी है, समझ गए? चौथा इज नॉट अ हाउस ऑफ, ये आपको कंफ्यूजन है अभी। कई भी आता है, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट कस्पल सब में आपकी आवाज कट रही है, हाँ बताएं। कई बार क्या होता है सर कि इन्वॉल्वमेंट लेवल पे हाँ देखें, अगर आपको ये याद हो, हाउसेस नहीं आते हैं। वेट वेट करिए, अगर आपको याद होगा तो जब हमने ग्रुपिंग की थी वो पेपर खोल लें जरा, एक मिनट, वो चैप्टर खोलिए ग्रुपिंग वाला। ग्रुपिंग किस लिए करवाई थी आपको? इसीलिए, इसी काम के लिए करवाई थी कि जो भी इवेंट देखना है आपको, ये 16 जुलाई की क्लास थी आपकी, 16 जुलाई को देखिएगा, हाँ जी, इसमें ग्रुपिंग करवाई हुई ना, 18-20 ग्रुपिंग है भाई। यस। अगर शादी की मैंने वो देखनी है, एस्पेक्ट देखना है, तो 7वां मूल भाव है, उसका कनेक्शन 5-11 से होना चाहिए। और जब बच्चे की बात की थी तो हमने 5 का बोला था कि ये मूल भाव है, 2 और 11 सपोर्टिंग का उसमें है ना। जब एजुकेशन की बात की थी तो तब 4, तो इससे भटकना नहीं है आपको, ठीक है? जो भाव जिस चीज के लिए बना है इन्वॉल्वमेंट, वो प्राइमरी कस बनेगा उसके लिए। अगर नहीं बन रहा है तो मना कर देंगे कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली हमने क्या बोला अभी, हमने चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉमिस क्या बोला कि असेंडेंट सब सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व 2, 5 और 2 और 11, ओके। ठीक है ना। और जब हमने शादी की बात की थी तो हमने क्या बोला था, असेंडेंट सब सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व 7 और 5 और 11, आइदर वन शुड अपियर। कि अगर कोई अपियर ही नहीं होगा तो बाकी तो मैरिज वाली हाउसेज नहीं है ना, या बच्चे वाली हाउसेज नहीं है, तो वन आउट ऑफ थ्री इसको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। और अभी भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल में लिंकेजेस लिखवाई है, मैंने लिखा कि 5 की इन्वॉल्वमेंट करके 2 से कमिट कर दिया, 5वां रेलिवेंट हाउस है संतान के लिए, और दूसरा रेलिवेंट है उसके एडिशन इन फैमिली के लिए। और फाइनल कंफर्मेशन में भी मैंने बोला कि 2 या 5 या 11 या फेवरेबल कर्स फ्रॉम द इन्वॉल्व हाउस, ठीक है? अब जरा करिए पांचवें की तो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट कर। लेवल पे भी फेवरेबल ले सकते हैं ना सर? कमिटमेंट लेवल पे भी फेवरेबल ले सकते हाँ हैं? तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। अब जैसे 5 है तो 9 आ गया तो ठीक है। हाँ आप करिए ना, मैं बताता हूं, अब 5 की इन्वॉल्वमेंट करिए आप, और 4 से कमिट करा दें, या 8 से करा दें, या 12 से, तीनों से करा दें आप। अब क्या होगा, ये पांचवें हाउस की टोटल नेगेशन कर दी इसने, ओके, तो पांचवें हाउस का फल नहीं मिलेगा। और इसके साथ अगर 2, 5, 11 लिख दें आप, लिखो जहां आपने 4, 8, 12 लिखा, 5, 2, 5, 11 भी लिख दो। अब क्या होगा, अभी तक का ये योग प्लस माइनस है, दोनों दोनों प्रकार के वो फल देगा। और फाइनल कंफर्मेशन में भी अगर ऐसे ही आता है 4, 8, 12 के साथ 2, 5, 11, तो सर ऐसे केसेस में मिस कैरेज अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? 4, 8, 12 ने क्या करना है फीमेल के केस में, वो उसको मिस कैरेज करा देगा या अबॉर्शन करा देगा, और 2, 5, 11 ने बच्चा देना है वो करा देगा। कोई दशा ऐसी आएगी, कहीं देखा होगा कई फीमेल्स के साथ ये बड़ी दिक्कत रहती है, बेचारी कंसीव करती नहीं है, करेंगी तो क्या होता है, उनका मिसकैरेज हो जाता है, समझ गए आप?
आगे लिखे नंबर दो, सिमिलरली वी विल रीड द प्रॉमिस ऑफ द प्राइमरी कर्स फिफ्थ इन ब्रैकेट कर दें, सिमिलरली द प्रॉमिस ऑफ फिफ्थ हाउस सब सब लॉर्ड विल बी रेड। देखें पांचवें हाउस के सब सब लॉर्ड के दो कार्य हैं, लिख लो फिफ्थ सब सब लॉर्ड हैज गॉट टू फंक्शंस। नंबर एक, पहला कार्य क्या है फिफ्थ हाउस का, टू चेक द पोटेंसी ऑफ अ पर्सन। पांचवा सब सब लॉर्ड का पहला कार्य है कि आप नेटिव की पोटेंसी चेक करेंगे, और दूसरा कार्य है टू चेक द प्रोक्रिएशन, टू चेक द प्रोक्रिएशन पावर ऑफ द नेटिव। देखें पोटेंसी का मीनिंग होता है वेदर अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट और नॉट। हम कहते हैं ना भाई बंदा पोटेंट है या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बोला जाता है द पर्सन हु इज नॉट एबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट। तो पांचवें हाउस के सब सब लॉर्ड से पहले हमने उस बच्चे की पोटेंसी देखनी है, और दूसरा काम है कि वो प्रोक्रिएशन देखना है कि वो क्या, भाई चलिए मान लिया उसकी पोटेंसी है, वो सेक्स करने में कैपेबल है, क्या वो बच्चा प्रोड्यूस करने में भी कैपेबल है कि नहीं, वो प्रोक्रिएटिव होती है, प्रोक्रिएशन पावर होती है। इन दोनों को अलग अलग कैसे देखेंगे लिखिए, नंबर एक हाउ टू चेक द पोटेंसी, हाउ टू चेक द पोटेंसी, फिफ्थ फिफ्थ हाउस सब सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद फिफ्थ हाउस सब सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द फेवरेबल कस्प फ्रॉम द फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस सब सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द फेवरेबल कस्प फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। भाई पांचवें हाउस से जो फेवरेबल हाउस है उसको इन्वॉल्व करे, वो पांचवें हाउस से फेवरेबल कौन से होंगे, पांच लिख लो इन ब्रैकेट कर लें, 5, 7, 9, 1 and 3, ये वो सूत्र है 1, 3, 5, 9, 11, फेवरेबल तो पांचवें हाउस के यही रहेंगे ना ये। तो जो हाउस इन्वॉल्व हुआ है नीरज जी उसकी कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर नेगेशन ना हो। अभी हमने ऊपर केस पढ़ा जब लगन का प्रॉमिस पड़ा तो लगन के सब सब लॉर्ड ने पांच को इन्वॉल्व किया था और 4, 8, 12 से कमिट कर दिया था, तो इसका मतलब उसकी नेगेशन हो गई ना पांचवें हाउस की, ठीक है। तो अभी इसको लिखे ए फॉर एग्जांपल करके लिखिए, ए एरो बी सी डी, ए एरो बी सी डी, जो ए है वो पांचवें हाउस का सब सब लॉर्ड है, लिख दे ए के नीचे पांचवा सब सब लॉर्ड, ओके okay? और बी के नीचे लिख दो 5, 7, 9, 5, 7, 9, 1 और 3। मान लीजिए पांचवें हाउस के सब सब लॉर्ड ने सभी फेवरेबल हाउसेस, पांचवें हाउस से सारी सभी फेवरेबल हाउसेस को इन्वॉल्व कर लिया, और इसकी कमिटमेंट लेवल पे अगर नेगेशन हो जाती है तो वो उसकी जो पोटेंसी नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर कमिटमेंट लेवल पे 4 आ जाए, लिख लो 4, 6, 8, 4, 6, 8, 12, 2, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप क्या कहेंगे, इज दिस पर्सन अ पोटेंट, नो, उसकी जो पोटेंसी है वो नहीं होगी ऐसे केस के अंदर। हमने पांचों की पांचों पोजीशन लिख दी है, पांच कभी आती है कभी नहीं आती, एक दो भी आती है कभी तीन भी आती है, और अब दोबारा जरा 5, 7, 9, 1, 3 लिखो, उसके नीचे दोबारा लिखिए 5, 7, 9, 1, 3, और कन्फर्मेशन जो है वो कर दें भाई, 7 से कर दें, 9 से कर दें, 11 से कर दें, 1 से कर दें, 3 से कर दें, 7, 9, 11, 1, 3। अब ये इसके लिए फेवरेबल पोजीशंस हो गई हैं जो हाउस इन्वॉल्व हुए है ना, इसमें कोई नेगेशन नहीं, सब फेवरेबल है। अगर ऐसी पोजीशन बनेंगी तो सर बंदा बहुत ही ज्यादा पोटेंट होगा, फाइनल कमिटमेंट भी देखेंगे सर, सर देखना वो तो देखना हर हालत में जो फंक्शन है उसका, अगर लिख दो 5, 7, 9, 11 जो आएगा फाइनल में वो उसका पोटेंट होगा, अगर वो 4
छह आठ बारह आएगा तो इम्पोर्टेंट होगा, नहीं कर पाएगा सेक्स। तो ये पोटेंसी केवल मेल में चेक करेंगे या फीमेल का भी चेक कर सकते हैं? सर दोनों में किया जाएगा, दोनों में किया जाएगा भाई। कई कई फीमेल भी तो होती हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं करने सेक्स करने में। बड़ी जिसे कहते हैं जी हम, ये बड़ी कोल्ड है, बड़ी ठंडी फीमेल है ये, जागृत नहीं होती जल्दी, समझ रहे हो ना जी। बहुत सारे हस्बैंड की कंप्लेंट रहती है ऐसी। तो फाइनल कंफर्मेशन में अगर फेवरेबल हाउसेज आ जाएंगे तो उसकी देखें, मान लीजिए दो तीन हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो तीन हाउस जो हैं वो फेवरेबल पोजीशन में है और दो तीन अनफेवरेबल में है, तो तब क्या करेंगे? तब उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट देखेंगे, कहाँ ज्यादा है, डेट्रीमेंटल में है या फेवरेबल में है, तब अपनी अपनी ओपिनियन देंगे आप। तो पोटेंसी देखने का ढंग यह है कि पांचवें हाउस के सब सब लॉर्ड ने अपने से फेवरेबल हाउसेस को इन्वॉल्व करे और कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन लेवल पर उनका नेगेशन ना हो। हमने पहला केस नेगेशन का बताया था, दूसरा फेवरेबल बताया, ठीक है जी? जी। अब लिखिए नंबर टू पार्ट, हाउ टू चेक द प्रोक्रिएशन। कि देखें बंदा एक पोटेंट है, वो सेक्स करने में कैपेबल है। अब जरूरी नहीं है कि सर वो बच्चा भी प्रोड्यूस करने में कैपेबल हो, ठीक है ना? अगर उसके सीमेन में मोबिलिटी कम है, हम कहते हैं ना शुक्राणुओं की कमी है, तो सर वो सेक्स तो कर पाएगा लेकिन बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके, तो ये भी दोनों में चेक होगा, मेल फीमेल में? सर डेफिनेटली होगा। अब देखें अगर फीमेल की अंदर, मान लीजिए उसकी प्रोक्रिएशन कैसे, अभी बताऊंगा कैसे करेंगे, अगर उसकी फिलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, यूट्रस छोटी है, यूट्रस का जो मार्ग है वो कम है या छोटा है या बंद है, तो ऐसे में दिक्कत आती है ना। फिर जो फीमेल बार बार मिसकैरेज कर जाती हैं, है ना, तो उनके साथ दिक्कत है ही है। लिखिए हाउ टू चेक द प्रोक्रिएशन, नंबर दो लिखिए, फिफ्थ हाउस सब सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद सेकेंड हाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई पांचवें भाव के सब सब लॉर्ड का जो संबंध है वो दूसरे भाव से बने, डायरेक्टली बने या इनडायरेक्टली बने। दूसरा क्या है, एडिशन इन फैमिली का, पांचवा संतान का है। फॉर एग्जाम्पल करिए कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ए एरो बी सी डी करिए, फॉर एग्जाम्पल ए एरो बी सी डी, ए के नीचे फिर लिख दीजिएगा ये पांचवें हाउस का सब सब लॉर्ड है, ठीक है जी। बी के नीचे लिख दो दो, सी के नीचे लिख दीजिएगा पांच, और डी के नीचे लिख दीजिएगा टू और फाइव और इलेवन और ऑल, और द फेवरेबल कस फ्रॉम द इन्वॉल्व्ड हाउस, टू फाइव इलेवन और द फेवरेबल कस फ्रॉम द इन्वॉल्व्ड हाउस। दोबारा दो की इन्वॉल्वमेंट करके 11 से कमिट करिए, तीसरा लिखिएगा दो की इन्वॉल्वमेंट करके 5 और 11 दोनों से कमिटमेंट कर दें, फिर 5 की इन्वॉल्वमेंट करके 2 से कमिट कर दें, फिर 11 की इन्वॉल्वमेंट करके 2 से कमिट कर दें, फिर 5 और 11 की इन्वॉल्वमेंट करके 2 से कमिट कर दें। इस प्रकार की लिंकेज बैठेगी, ठीक है ना? तो पांचवें हाउस का जो संबंध है दूसरे भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रकार बनेगा, या तो इन्वॉल्व होगा या कमिट होगा, ठीक है ना? अच्छा, इसमें 8th हाउस की जो हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं वेदिक में 8th हाउस ऑफ सेक्स माना जाता है। सर देखें 8th हाउस उसको हिडन एस्पेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है, और नहीं सेक्सुअल रिलेशन तो पांचवें हाउस से आप उसको करेंगे,
ठीक है ना, जो सेक्सुअल रिलेशन सेक्सुअल प्रेशर्स की जो बात आती है वो पांचवें हाउस का पोर्टफोलियो है, वो भाई छुपा हुआ स्थान है, गुप्त है, इसलिए उसको बोल देते होंगे। अदरवाइज सेक्सुअल प्रेशर एट्थ हाउस जो है ना, ये गर्भाधान का है, कंसेप्शन का भाव है, ठीक है। आठवें का सब सब लॉर्ड अगर दो से और पांच से योग बनाएगा तो कंसीव फीमेल कर चुकी होगी या कर लेगी, ठीक है ना। अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है ना, वो मैंने पहले कभी हुआ होगा उसका, हो सकता है अगर प्रश्न लगा है, अगर प्रश्न लगा है तो उसमें कि भैया अगर आठवें हाउस का संबंध दो और पांच से बनेगा तो तभी वो कंसीव कर पाएगी। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जैसे किसी की शादी होने वाली है और या किसी की गर्लफ्रेंड है, वो पूछता है कि भाई इसका कभी फिजिकल रिलेशन हुआ है क्या, तो देखें सर उस केस में क्या बताएंगे। देखें फिजिकल रिलेशन तो अब ऐसे बताना किसी के लिए कैरियर ही खराब करना किसी का ना, इसे ऐसी बातों का जवाब देना चाहिए, और जो पूछ रहा है वो भी उसको नहीं पूछना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। आजकल मेरी बात सुनिए ना नीरज जी, कौन सा ऐसा बंदा जो ये मेंटेन नहीं करता? मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर मेंटेनिंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या बुढ़े क्या जवान, सारे के सारे को, क्या मेल क्या फीमेल, कहीं भी चले जाएं आप, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या करते हैं, फिफ्थ को लेंगे? फिफ्थ, हाँ, वो सातवें देखें, टू कंटेंट टू मेक अ सेक्सुअल रिलेशन यू नीड अ पार्टनर, ओके, समझ गए ना। तो वो जो कुंडली बनेगी उसमें सातवां हाउस उस फीमेल का होगा। और देखो आपने अगर जब बारहवां भाव पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ट्वेल्थ इज द हाउस ऑफ बेड प्लेशर्स, शय सुख का भी है ना। और उस कुंडली में आप देखिएगा कि सेवंथ हाउस का जो सब सब लॉर्ड है और लगन का जो सब सब लॉर्ड है वो सात को इन्वॉल्व करके छह से और बारह से कमिट करे। क्या योग है इसका मतलब, अगर पर्टिकुलरली ये एस्पेक्ट देखनी है तो छह और बारह का मतलब है बारहवां उसका भी ऑपरेशन में आया, बारह इसका भी ऑपरेशन में आया, सीक्रेट, समझ गए। हाँ, इसमें फिफ्थ का भी रोल होगा सर, फिफ्थ का भी रोल होगा। पांचवा तो साथ में देखें, अगर सेटिस्फेक्शन हो जाती है एंड में तो सातवें की इन्वॉल्वमेंट हुई, छह बारह से कमिट हुआ और फाइनल में पांच यार आ गया तो उसमें उसमें उसको प्लेशर आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज अगर आपने बात उठाई है तो मैं आपको और बताऊं, आप किसी की शादी देखते हो ना कि इसने शादी के बाद हनीमून मनाया होगा या नहीं मनाया होगा, जिस दिन शादी होती है उसी दिन का जो पुराना होगा प्लस उसका जो मून स्टार होगा जिस दिन शादी होती है, अगर वो सातवें पांचवें ग्यारहवें के साथ छह और बारह का भी सिग्निफिकेटर बनेगा तो इसका मतलब वो उन्होंने हनीमून सेलिब्रेट कर लिया होगा। फिर से बोलिए सर, मैं लिख लेता हूं इसको। देखें, यू हैव टू चेक द मून स्टार ऑफ द डे ऑफ द मैरिज एंड द प्राणा ऑफ द मैरिज। प्राण क्या होता है सर? प्राण दशा। अच्छा भाई, पहले दशा है, फिर भुक्ति है, अंतरा है, सूक्ष्म है, प्राणा। प्राणा इज द लास्ट दशा जो है, प्राण दशा जो है, प्राणा बोलते हैं उसको, ठीक है। मून स्टार और प्राण दशा जो प्राणा स्वामी है वो अगर सातवें के साथ, सात पांच ग्यारह के साथ छह बारह का फल भी प्रदान करेगा तो इसका मतलब वो फिजिकल रिलेशन उनके एस्टेब्लिश हो गए। कनेक्शन विद सेवंथ सर, सेवंथ 5-11 इसका कनेक्शन 6-12 से भी हो, सातवें की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और पांच और बारह के साथ 6-12 से भी, पांच और ग्यारह के साथ 6-12 से भी कमिटमेंट हो जाए, समझे, और फाइनल कंफर्मेशन हो जाए। अब इसको सेपरेशन मत समझ लेना वहां, ओके, बिकॉज 6-12 जाएगा, हाँ ठीक है ना, वो दोनों का बारहवां ऑपरेशन में आया है। चलिए, तो पांचवा हम क्या कहां पढ़ रहे थे हम,
तो हमने कहा कि फिफ्थ हाउस सब सब लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द सेकंड हाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। वो कैसे रिलेशन बने हमने बता दिया। पांचवें के दो की इन्वॉल्वमेंट हुई, पांच से कमिट हुआ, फिर दो की इन्वॉल्वमेंट हुई, 11 से कमिट किया, फिर दो की इन्वॉल्वमेंट करके 5-11 से कमिट कर दिया, फिर पांच की इन्वॉल्वमेंट होके 2 से कमिट कर दिया, इस प्रकार, ठीक है। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। अब लिखिए रोल ऑफ दशा, दशा स्वामी का रोल। दशा स्वामी बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 5, 2 एंड 11। ये 5, 2, 11 का सिग्निफिकेटर बने, फेवरेबल हो, कहने का ये मतलब है। और भुक्ति स्वामी शुड बी द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द प्राइमरी कर्स, एज इन द केस ऑफ, हमने शादी के केस में 7th हाउस का सिग्निफिकेटर बनाया था, और चाइल्ड बर्थ के केस में भुक्ति स्वामी को 5वें हाउस का सिग्निफिकेटर बनना है। लिखिए भुक्ति लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द 5th हाउस। अब ये 5वें हाउस का सिग्निफिकेटर कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल करिए, ए एरो बी सी डी करें, ए एरो बी सी डी, ए के नीचे लिख दीजिएगा आप भुक्ति लॉर्ड है, ओके। और पांचवें की इन्वॉल्वमेंट कराइएगा, 2 से कमिट करा दें, फिर 5वें की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 11 से कमिट करा दें, फिर 11वें की इन्वॉल्वमेंट कराइएगा, 5 से कमिट करा दें, फिर 2 की इन्वॉल्वमेंट कराइएगा, 5वें से कमिट करा दें। कहने का मतलब 5वां अपियर होना चाहिए आइदर एट द इन्वॉल्वमेंट लेवल और एट द कमिटमेंट लेवल, ओनली देन इट विल बिकम द सिग्निफिकेटर, ठीक है जी। अब लिखिए आगे नंबर थर्ड, अंतरा सूक्ष्म एटसेट्रा शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 2 एंड 11, शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 2 एंड 11 और 11 एंड 2 और 5 एंड 11 और 11 एंड 5 एटसेट्रा। भाई वो किसी दो भाव का, देखें अगर अंतरा सूक्ष्म प्राणा जो है वो 2, 11 का सिग्निफिकेटर बन जाएगा वो तब भी क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। भुक्ति के अंदर 5वां मूल भाव चाहिए होता है हमारे। आगे लिखें रोल ऑफ ट्रांजिट। एज यूजुअल द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर सन एंड मून विल बी स्टडीड। रोल ऑफ ट्रांजिट करिएगा, एज यूजुअल द रोल द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर सन एंड मून विल बी स्टडीड। नंबर वन, एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ जुपिटर शुड ट्रांजिट इन सच अ साइन जुपिटर शुड ट्रांजिट इन सच अ साइन द लॉर्ड ऑफ विच द लॉर्ड ऑफ विच शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ चाइल्ड बर्थ गिविंग हाउसेस, चाइल्ड बर्थ गिविंग हाउसेस इन ब्रैकेट 5, 2 एंड 11। ठीक है जी। सिमिलरली द ट्रांजिट ऑफ सन एंड मून विल बी चेक्ड, आगे लिखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, मून ऑन द डे ऑफ चाइल्ड बर्थ, मून ऑन द डे ऑफ चाइल्ड बर्थ शुड
ट्रांजिट इन सच अ स्टार, भाई मून चाइल्ड बर्थ वाले दिन किसी ऐसे नक्षत्र में गोचर करे, इसका ये मतलब है। मून ऑन द डे ऑफ चाइल्ड बर्थ शुड ट्रांजिट इन सच अ स्टार द लॉर्ड ऑफ विच, लॉर्ड ऑफ विच मीन्स द स्टार लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ विच शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ, should become the significator of 5, 2 and 11 and it should also make relation with 5th house sub lord in bracket the ascendant of the child. Also, it should make relation with the 5th house sub lord in bracket the ascendant of the child. मून किसी ऐसे नक्षत्र में हो जिसका जो दो पांच याना का सिग्निफिकेटर बने और साथ में उसका जो कनेक्शन है वो पांचवें भाव के सब लॉर्ड से हो, ठीक है जी। पांचवें सब लॉर्ड का मतलब है बच्चे का असेंडेंट सब लॉर्ड। तो नीरज जी ये तो ये मतलब ये किसका फादर का है या मदर का? सर बच्चे का मून स्टार, बच्चे जिस माँ या बाप के यहाँ बच्चा हो रहा है उसके पांचवा, उसकी पहला जो पांचवा हाउस है संतान का भाव है ना पहली का, ठीक है ना। तो नहीं जैसे अभी ये प्रश्न आया कि ये बच्चा होगा कि नहीं होगा तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि भाई इस दिन बच्चा होगा। हाँ तो जिस दिन बच्चा होगा वो उस दिन का मून स्टार फादर या मदर की कुंडली में पांचवें हाउस के साथ सब लॉर्ड के साथ योग बनाए, क्योंकि अगर उनसे बच्चा है तो वो जेनेटिकल कनेक्शन मिलाएंगे, ये बीटीआर में भी आएगा और उसको 5-2-11 का सिग्निफिकेटर भी बनेगा। भाई अगर मून 2-5-11 का सिग्निफिकेटर बनेगा तभी तो उस दिन बच्चा होगा, उनके घर में एडिशन इन फैमिली होगा। बिल्कुल होगा, समझे। अगर आप वो किसी फादर से पर्टिकुलर फादर से कोई बच्चा है तो सर उसका पांचवें उसका सबसे लॉर्ड से रिलेशन बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हम तभी करेंगे जब बच्चा हो जाएगा सर, नहीं कभी करेंगे मतलब क्यों सर? ये अगर आपने फर्दर फ्यूचर टाइमिंग करनी है तो उसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा तो आपके लिए वो क्या बनेगा, आपके लिए वो इवेंट हो जाएगा रेक्टिफिकेशन में, जब रेक्टिफिकेशन करेंगे वहां समझ आएगा आपको। अब लिख ले हाउ टू डिसाइड, एग्जांपल लेते हैं जैसे मैं फादर हूं, हाँ आपके मैंने प्रश्न किया, लिसन रुक जाइए, आप अपनी कुंडली में पांचवें हाउस का सब सब लॉर्ड है आपके जो पहले बच्चे का जो मून स्टार है, जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ वो मून स्टार उसी 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 स्टार डे में होगा ना, उसकी कुंडली में देखिए उसका मून स्टार क्या है और वो मून स्टार क्या आपके, सॉरी बच्चा नहीं पैदा, जो आपके आपकी कुंडली के अंदर जिस दिन आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ उस डेट को देखिए मून स्टार क्या है। मान लीजिए मून स्टार मरकरी है और मरकरी का संबंध आपकी कुंडली में पांचवें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे संबंध होगा वो जब आगे बात आएगी उसको देखेंगे। और दूसरा बच्चा हुआ है तो उसका सातवें हाउस से सब लॉर्ड से होना चाहिए। तो फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड उसके सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड से कोई मतलब नहीं सब लॉर्ड ओके वो कराऊंगा जब और 2-4 क्लास रुक जब प्रैक्टिकली करेंगे बिटिया। अब इसमें आप ये लिखे How to determine the sex of the child? अभी भी देखें नीरज इसमें ग्रे एरियाज हैं, ये हर बारी करेक्ट नहीं उतरता मैं बता दूं आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सही उतरता है। How to know about the sex of the child? एक सूत्र है इसके लिए लिख लें। नंबर एक, If male sign rises on the ascendant, ये rectification में भी काम आता है। If male sign rises on the ascendant,
कीप द आर्क लेस देन 50%, कीप द आर्क लेस देन 50%, आर्क आर्क वो जो परसेंटेज ऑफ आर्क है ना लास्ट में दिया हुआ, अभी कराऊंगा, लिख लो आप, ठीक है ना। इफ द मेल साइन राइजेज ऑन द असेंडेंट, ओके, कीप द आर्क लेस देन 50% टू फिक्स द चार्ट ऑफ अ मेल नेटिव, टू फिक्स अ चार्ट ऑफ मेल नेटिव। नंबर दो करिए, इफ मेल साइन राइजेज ऑन द असेंडेंट, इफ मेल साइन राइजेज ऑन द असेंडेंट, कीप द आर्क मोर देन 50% टू फिक्स अ चार्ट ऑफ अ फीमेल नेटिव। ये रेक्टिफिकेशन में काम है, उसको आप यहां भी अप्लाई कर पाओगे। नंबर थर्ड, इफ अ फीमेल साइन राइजेज ऑन द असेंडेंट, इफ अ फीमेल साइन राइजेज ऑन द असेंडेंट, कीप द आर्क लेस देन 50%, कीप द आर्क लेस देन 50% टू फिक्स अ चार्ट ऑफ अ फीमेल। And keep the arc less than, हाँ, less than 50% to fix a chart of a female native. And if the female, number चार पे लिखिए, if the female sign rises on the ascendant, keep the arc more than 50% to fix a chart of male native. ये चार हमारी रूलिंग्स हैं, इसके अलावा भी और बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक चार्ट पेश करूंगा अभी, तो ये चार्ट है किसी वुड बी फादर ने बोला है। तो ये लास्ट पॉइंट क्या था, मोर देन 50% टू फिक्स अ चार्ट ऑफ अ फीमेल नेटिव, नहीं, if female sign rises on the arc, if a female on the ascendant, keep the arc more than 50% to fix the chart of male, fix a chart male native, male native. तो यहाँ पे male native कौन है, बच्चा है क्या? सर बच्चा भी हो सकता है, अगर पांचवे की आर्क से बच्चे का लगन फिक्स करना है तो पांचवा, अपनी अपना अगर फिक्स करना है तो लगन असेंडेंट। यहाँ देखिए, हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो? हेलो, हाँ हाँ, थोड़ा ब्रेकअप है आगे अभी। ये देखिए, ये एक प्रश्न लगा था, व्हेन वी विल हैव एन एडिशन इन फैमिली बाय द वे ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये फादर ने किया था, वुड बी फादर जो है, दिस वाज द नंबर हियर 1723। ओके, अब देखें, इसके घर में बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा ये देखना है। पांचवें के ऊपर देखिएगा कौन सी आर्क आ रही है, कौन सी साइन है, टॉरस, क्या टॉरस फीमेल साइन है, ध्यान देना। और क्या साइन राइज, कितने परसेंटेज है आर्क है इसकी, 25, लेस देन 50 है या मोर देन 50 है, लेस देन 50। तो कौन सी कंडीशन लगेगी इन चारों में से, थर्ड कंडीशन लगेगी, इफ फीमेल साइन राइजेज ऑन द असेंडेंट, कीप द आर्क लेस देन 50% टू फिक्स अ चार्ट ऑफ अ फीमेल, है ना, यही है ना। तो अब फीमेल साइन राइज कर रहा है, इस प्रश्न कुंडली में आर्क आई 25-26%, तो इसके जो होने वाले बच्चे का लिंग क्या होना चाहिए, फीमेल। अब दूसरा सूत्र पढ़िए, आगे लिखिए, दूसरा सूत्र है, नोट डाउन द को रूलिंग प्लैनेट्स ऑफ द फिफ्थ हाउस, नोट डाउन द को रूलिंग प्लैनेट्स ऑफ द फिफ्थ हाउस, 1 by 1 चेक ऑल द प्लैनेट्स, 1 by 1 यू चेक ऑल द को रूलिंग प्लैनेट्स,
whether they are in the subsub of male or a female planet, whether they are appearing as the subsub lord in the male or a female planet. Whether they are appearing as subsub lord. हाँ. Only subsub lord, star lord भी नहीं. नहीं sir, नहीं नहीं. अब देखें ये पहले समझ लें, बाद में लिखेंगे. पांचवे के को रूलिंग प्लेनेट क्या हैं? वीनस, मून, वीनस, जुपिटर. एक एक प्लेनेट उठाइए. ये मैंने वीनस लिया पहले. वीनस लिया, वीनस किसके सबसब में है? सैटर्न के. सैटर्न कौन से साइन में है? मेल साइन में है. सजिटेरियस मेल साइन में है. ठीक है, इसके आगे मेल लिख दो. पहला एक मेल हो गया, लिख लो. एक विषय, ये क्या था कि co-ruling planets whether they are appearing as sub-sub lord of male or female sign. Whether they are appearing in the sub-sub lord of a planet that appears in male sign or female sign. इसको लिख ले पहले, एक बार देख ले, समझ आ जाएगी आपको. दूसरा प्लेनेट पढ़िए क्या है, पांचवें उसका. मून है. मून ऊपर जाइए. मून देखिए किसके सबसब में है? राहु. राहु के सबसब में. राहु कौन सी राशि में है? पॉजिटिव. ये फीमेल साइन में बैठा हुआ है. एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया. तीसरा प्लेनेट क्या है? वीनस है, वो फिर मेल में आ गया. तो दो मेल एक फीमेल हुआ. अभी चौथा पढ़िए, जुपिटर. जुपिटर किसके सब सब में है? जुपिटर के. और कौन सी राशि में बैठा हुआ है? लिब्रा. लिब्रा में. तो डोमिनेटिंग कौन हुआ? डोमिनेटिंग मेल हो गया. आउट ऑफ फोर कोर रूलिंग प्लैनेट्स, आउट ऑफ फोर कोर रूलिंग प्लैनेट्स, थ्री आर इन द सब सब लॉर्ड विच आर पोस्टेड इन द मेल साइन. Okay. दोबारा देखिए, पहला प्लेनेट था वीनस. वीनस वाज इन द सबसब ऑफ सैटर्न एंड सैटर्न इज पोस्टेड इन द सजिटेरियस साइन, द मेल साइन. एक ये यस ओके. और दूसरा ये देखिए, मून है. मून राहु के सबसब में है. राहु कैंसर में बैठा हुआ, ये फीमेल हो गया. और तीसरा हमने कहा फिर वीनस है. वीनस फिर सैटर्न के सबसब में और वो मेल में है. तो दो मेल एक फीमेल हो गया. चौथा प्लेनेट पढ़िए, ये जुपिटर है. और जुपिटर हमने देखा कि वो जुपिटर के सबसब में है और जुपिटर इज पोस्टेड इन द लिब्रा साइन, वो फिर मेल साइन में है. तो डोमिनेंस किसकी हो गई? मेल साइन की. तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, अब ये जो बच्चा जो है ये मेल होना चाहिए. समझ गए ना? और अदरवाइज मान लीजिए दो मेल में होते, दो फीमेल में होते, फिर ये जो आर्क है ये ज्यादा डिसाइसिव हो जाती. ओके ओके. तो इस टूल को, ये अभी मैं बताऊं, अभी भी इसमें कई बारी गलती हो जाती है लेकिन कई बारी ठीक उतरता है. इसमें अभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए. और अब ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं इसमें, सन और मून की होरा को भी पढ़ सकते हैं आप. सन की होरा क्या होती है? सन इज अ मेल साइन. अगर वो सन मेल साइन में है तो इफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ द सन इज लेसर देन द 50%. ठीक है ना? अभी टोटल डिग्री 30 डिग्री और सन की होरा अगर वो 15 डिग्री तक है मेल साइन में तो वो सन की होरा होगी. ओके. और जो लेटर हाफ है वो मून की होरा जाएगी. और इसी प्रकार मून अगर फीमेल राशि में है और पहली 15 डिग्री में है तो वो मून की होरा होती है. तो दूसरी होरा उसकी सन की होरा हो जाएगी. ओके. तो दिस इज अ चार्ट. ठीक है, अब जरा इसकी पहले जेन्युइननेस पढ़िएगा. कहां अपियर होना चाहिए मून या इसका स्टार लॉर्ड?
5 to 11। देखें, पहले मून को 5, 2, 11 में देखें और फिर उसके स्टार को देखें। 5th में है ठीक है, बस 5th में मून है पांच में है, 12वें का रेसिडेंट है, विच इज नॉट अ रेलिवेंट हाउस। और आगे पढ़िए, मून के स्टार में वीनस, है, वीनस को वीनस देखें। वीनस 2 में, 5 में है। ओके, 2 में नहीं है, 11 में नहीं है, तो इसका मतलब मून और उसका स्टार लॉर्ड वो 5वें हाउस में अपियर हो रहा है। एंड दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द संतान ही है, उसी के रिलेशन में। जेनुइनस मानेंगे? यस। अच्छा, अब लगन पढ़ना है, 5वां पढ़ना है और 11वां पढ़ना है। जो रूलिंग अभी आपको लिखवाई है हमने, उसको अप्लाई करना है। पहले लगन का प्रॉमिस पढ़ने, क्या क्या कैसे लिंकेज बननी चाहिए वो पढ़ लें आप। इसीलिए पहले मैं लिंकेज लिखवाता हूँ। क्या करना है जरा रीड आउट करिए, व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ असेंडेंट सब सब लॉर्ड, कैसे पढ़ना उसको। असेंडेंट सब सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व 5, 2 और 11। इट शुड नॉट गेट निगेटेड एट सब एंड सब सब लेवल। ठीक है, पढ़िए जरा आप। लगन का सब सब कौन है? सन। देखिए, असेंडेंट सब सब लॉर्ड इज सन, किस स्टार में है ये? राहु। लिखिए, सन एरो राहु, ऑब्लिक मून ऑब्लिक सैटर्न, डैश मरकरी डैश मरकरी। ठीक है जी। हाँ, सन राहु स्टार में है। अब राहु को किन भावों में देखेंगे आप? 2, 5, 11। देखो, राहु 2 में 5 में 11 में। राहु 2 में है। इन्वॉल्वमेंट लेवल के ऊपर केवल रेलिवेंट हाउस देख रहे हैं, 2, 5, 11। 5 में नहीं है, 11 में नहीं है। लिख दो, राहु के नीचे 2 लिख दें। राहु ने किसका फल देना है? मून और सैटर्न का। मून आप देख चुके हो, 5 में लिख दो, मून के नीचे 5 लिख दो। अब सैटर्न नहीं पढ़े, सैटर्न को पढ़िए 2, 5, 11 में। सैटर्न 2 में है, लिख दीजिएगा। 5 में नहीं है। सैटर्न और 2 में है। सैटर्न हाँ पोजिशनल स्टेटस भी ले लेंगे सर उसका। हाँ बिल्कुल लेंगे, 11वें में बैठा हुआ है। और सन का तो है ही है पोजिशनल स्टेटस। बिल्कुल, वो 5 और 11 में लिख लो। सन 11वीं कसफल पोजिशन में प्रकट हो रहा है, 5वें का रेसिडेंट है। इन दोनों को क्लब कर दें, सन और राहु को। सो देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2, 5 एंड 11। कमिटमेंट कौन कर रहा है? मर्करी। अब मरकरी को देखें, जो हाउसेज लिखवाए थे आपको। 2 में नहीं है, ओके 5 में भी नहीं है, okay. 11 में है। लिख दो भाई, 2, 5, 11 की इन्वॉल्वमेंट होके 11 से कमिट हो गया। अब डेट्रीमेंटल में देख लो, पहले दूसरे के डेट्रीमेंटल देख लो, फिर 5वें के देख लो। सो 1 और 4, 1 में मरकुरी, 1 में नहीं है, ओके 4 में भी नहीं है, ठीक है, 10 में भी नहीं है। 10 किस लिए देख रहे हो जी आप? नो, 11 का वो नेगेशन। 11 का नेगेशन नहीं होता कभी भी, उससे इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है, उसको मत देखें। ओके देखें, दूसरे की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो दूसरे के लिए 1, 8 एंड 9 आर द वर्स्ट हाउसेस। ठीक है, 2 इन्वॉल्व हुआ है तो आप कह रहे हो मरकरी 1 में नहीं है, मरकरी 8 में भी नहीं है, मरकरी 9 में है, लिख लो। ओके, 5वें के लिए इन्वॉल्वमेंट, 5वें की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, ये फेवरेबल है। ठीक है, तो असेंडेंट का क्या प्रॉमिस हुआ सर? डज असेंडेंट प्रॉमिस द चाइल्ड बर्थ? यस। ओके, अब 5वें का सब सब लॉर्ड पढ़िए। उसके 2 फंक्शन है, पहला पोटेंसी है, दूसरा प्रोक्रिएशन है। पहले पोटेंसी पढ़िए। फिफ्थ SSL पढ़ लेते हैं पहले। हाँ वही पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे। ओके, 5वें का सब सब लॉर्ड जुपिटर है। यस। देखिए, जुपिटर एरो का निशान मारिए,
जुपिटर किस स्टार में है? राहु लिखिए मार्स राहु, जुपिटर जुपिटर एरो राहु, राहु ऑब्लिक मून ऑब्लिक सैटर्न, ठीक है, डैश मंगल डैश जुपिटर। अब जुपिटर का भी पोजिशनल स्टेटस है, ध्यान दें, क्या जुपिटर 5 में है? जुपिटर 5 में है, लिख स्ट्रॉन्गली दो है। 5 के अंदर, लिख दो जुपिटर के नीचे 5 लिख दो। क्या जुपिटर 7 में है? 7 में तो नहीं है सर। 9 में? हम फेवरेबल देख रहे हैं 5वें हाउस से, 9 में अच्छा, 9 में भी नहीं है। है सर, ध्यान दें। हाँ, 9 में, 9 में, 9 का पोजिशनल स्टेटस है, सर बैठा हुआ है, देखें बैठा हुआ है। हाँ, आप जुपिटर का पीएस है तभी तो देख रहे हो आप। 9 में लिखिए, जो जहां 5 लिखा 9 लिख दें। अब जुपिटर 1 में है क्या? 1 में नहीं है, 2 में है। 3 में? 2 थोड़ी लेना है, 2 इज नॉट अ फेवरेबल हाउस। आपको बोला था जो ओके, अभी आपको लिंकेज लिखवाई है कि आपने स्टार लॉर्ड के ऊपर 5 7 9 11 1 ले, 9 5 7 9 1 3 लेना है। आप देखिए उसको तो 1 में नहीं है, 3 में है। लिख दो। अब जुपिटर राहु स्टार में, राहु को देखें 5 7 9 1 3 में, 5 7 9 1 3 में, ये फेवरेबल हाउसेज हैं 5वें हाउस से। 5 में नहीं है, 7 में उसका सर वो 7वें का रेसिडेंटल ले लें, रेजिडेंस है। 9 में नहीं है, 1 में नहीं है, 3 में नहीं है। ओके, राहु ने फल देना मून का, मून को मून देखें 1 पांच में में, है। 5 में, 5 से शुरू करिए ना, 5 5 में देखें, 7 में देखें, 9 में देखें, 1 में देखें, 3 में देखें, में है, लिख दो, 7 में भी है, लिख दीजिएगा। 9 में नहीं है, 9 में नहीं है। 1 में है, लिख दो, 3 में नहीं है। अब राहु ने फल देना सैटर्न का, सैटर्न को देखें 5 में है क्या? नहीं है। 7 में? 7 में है, लिख दीजिए। 9 में? 9 में है, लिख दीजिएगा। 1 में? 1 में है, 3 में? 3 में भी है। सर जी इन दोनों को क्लब कर दें, जुपिटर और राहु को, इसका मतलब 5 7 9 1 3 सभी की सभी फेवरेबल हाउसेस को इन्वॉल्व कर लिया 5वें हाउस के सब सब ने। कमिटमेंट कौन कर रहा है? मार्स अब मंगल को किन किन कस्पल पोजिशन में देखेंगे? 7 9 11 देखें, वन थ्री हाँ देखें, मंगल 7 में है, साथ में नहीं है, 9 में, 9 में है, लिख दो, 11 में, 11 में है, लिख दो, 1 में, 3 1 में भी है, में, 3 में नहीं है। ओके। अब डेट्रीमेंटल में मंगल देखना है, किन किन कस्पल पोजिशन में देखोगे? भाई 5 इन्वॉल्व हुआ है उसके लिए डेट चौथा, 7 हुआ है उसके लिए छठा, 9 हुआ है उसके लिए 8वां, तो डेट्रीमेंटल में देखोगे 4 में, 6 में, 8 में, 12 में और 2 में। 12 में और 2 में। देखिए क्या मंगल 4 में है? 4 में है, लिख दीजिएगा। 6 में? 6 में नहीं है, 8 में? 6 में रेजिडेंस है। सर कहाँ रेसिडेंट है, मरकरी है वहां, ओ, यहाँ मरकरी है। ठीक है ना, 6 में नहीं है, 8 में देखिएगा, 8 में नहीं है, 12 में, 12 में भी नहीं है, 2 में, 2 में नहीं है। हाँ तो अब यहां तक क्या कमिटमेंट हुई? 5 7 9 1 3 की इन्वॉल्वमेंट होके रेलिवेंट हाउस के फेवरेबल हुआ, फेवरेबल हाउसेज के साथ कमिटमेंट हुआ और डेट्रीमेंटल के साथ भी हुआ। अब फाइनल कंफर्मेशन प्लैनेट डिसाइड करेगा कि ये पोटेंसी इसकी है कि नहीं है। फाइनल कंफर्मेशन क्या है? जुपिटर। जुपिटर आप देख चुके हो, लिख दो 5 9 3 में, ये तो फेवरेबल है, लिख दो 5 9 3।
अब जुपिटर को वो डेट्रीमेंटल में देखें, चार में देखेगा, छह में देखेगा, आठ में देखो, बारह में देखो, दो में देखो। चार में नहीं है, छह में भी नहीं है, आठ में है, आठ में है, लिख दो, बारह में भी है, दो में भी है, ठीक है जी। अब जरा बताइएगा क्या इसकी पोटेंसी है। पोटेंसी है, हाँ जी बिल्कुल है, क्यों? जुपिटर जो फाइनली जुपिटर के सब सब में आया है, जुपिटर पांच और नौ में बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर बारह में बहुत वीक है, और आठ में भी कम है, और चलिए दो में हैगा कुछ, लेकिन जो जुपिटर पांच और नौ में ज्यादा स्ट्रांग है तो ही इज ए पोटेंट। अब इसका दूसरा फैक्टर ढूंढिए, क्या ये प्रोक्रिएटिव भी है कि नहीं है, क्या करना है? जुपिटर आठ में तो स्ट्रांग है, ले लेना सर जी, क्या वो पांचवें और नवे से स्ट्रांग है क्या? अच्छा बताए ना, क्या वो पांचवें से नवे से ज्यादा स्ट्रांग है क्या आठवें में? नहीं। फिर अब पांचवें हाउस के सबसे लॉर्ड को दूसरे से संबंध बनाना है, दूसरा पार्ट पढ़िए कैसे करेगा। हम इसको लिख देंगे पोटेंसी इज देयर, बिल्कुल है ही है, ओके करिए। अब प्रोक्रिएशन, हाउ टू चेक प्रोक्रिएशन, फिफ्थ सक्सेस शुड मेक रिलेशन विद सेकंड हाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ वो लिंकेज आपको लिखवाइए, उसको फॉलो करिए। पांचवें का सबसे जुपिटर है, दोबारा लिखिए, जुपिटर किस स्टार में है? राहु, देखिए जुपिटर एरो राहु, ऑब्लिक मून, ऑब्लिक सैटर्न, डैश मार्स, डैश जुपिटर। अब देखिए जुपिटर राहु स्टार में है, राहु दूसरे हाउस का सब सब लॉर्ड है, तो पांचवें हाउस के सब सब लॉर्ड ने दो को इन्वॉल्व कर लिया, ध्यान देना। और राहु सैटर्न भी है, वो भी दो में है, लिख लो, और ग्यारह में भी है, और मून पांच में है, ओके। जुपिटर किसके सब में है? जुपिटर इज इन जुपिटर सब, मार्स सब, जुपिटर मार्स के सब, मार्स सब, हाँ हाँ मार्स सब। मार्स को देखेगा कहाँ है, मार्स चार में है, क्या करेगा ये चार में? ये जो है प्रोक्रिएशन में उसको नेगेट कर देगा ना सर? क्यों सर, क्यों नेगेशन करेगा, दो के इन्वॉल्वमेंट होके चार से कमिट कर रहा है। हाँ दो के लिए तो बढ़िया है, लेकिन बढ़िया? ये जो मून फाइव में हाँ, है ना सर, तो हमने क्या बोला कि सर पांचवें हाउस का कनेक्शन दूसरे से होना चाहिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो दो के इन्वॉल्वमेंट होके अगर चार से और ग्यारह से, मंगल चार ग्यारह में भी है देखो, ये तो फेवरेबल है, लेकिन मंगल एक आठ और नौ में भी है, लिखो मंगल एक आठ नौ में भी है, तो ये डेट्रीमेंटल है दो के लिए, एक आठ और नौ। अगर मंगल चार ग्यारह में नहीं होता तो ये डिनाइल हो जाता, मंगल चार और ग्यारह में है तो उसके फेवर में है, और फाइनल कंफर्मेशन क्या है, वो जुपिटर ही है। जुपिटर दो में बहुत स्ट्रांग हो गया, पांच में भी है, ठीक है ना, और आठ में भी है, लिख लो, लिखना है तो कहने का मतलब इसकी प्रोक्रिएशन आ जाती है। ठीक है सर जी, तो ये इसकी पोटेंसी भी है, प्रोक्रिएशन भी है। अब ग्यारहवें का सब सब पढ़िएगा, क्या है ग्यारहवें का सब सब? मार्स, मार्स को दो पांच ग्यारह का सिग्निफिकेटर बनना है, पढ़िए। मंगल मार्स एरो मून स्टार में है, मार्स एरो मून डैश जुपिटर डैश सन, मार्स इज इन मून स्टार, जुपिटर सब एंड सन सब सब,
मार्स को देखें, इसका पीएस है 2511 में देखें, दो में नहीं है, पांच में भी नहीं है, 11 में है, लिख दीजिए 11 में, बहुत स्ट्रांग है। ओके, अब जरा देखिएगा मार्स किसके सब में है, और स्टार में है मून के, मून मून कहाँ देखा था आपने? 5, 7 ना सर, सिर्फ बच्चे का ऑर्डर लेंगे ना, अब 7 का काम खत्म हो गया, वो पोटेंसी देख चुके हो आप, 7 का क्या लेना देना, अब 2, 5, 11 पे कॉन्सेंट्रेट करिए। मून 5 में है, 5 में है, इसको क्लब कर दें, 11 और 5 की इन्वॉल्वमेंट हो गई। किसके सब में है मंगल? जुपिटर के, जुपिटर, जुपिटर देखिए 2 में है और 5 में है, 9 में, 9 भी लिख लो, अगर 5 में की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो 9 उसके लिए अच्छा है जी, और जुपिटर 8 और 12 में भी, वो भी लिख लें, वो 5 में के लिए थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेगा या डिले करवाएगा। फाइनल कंफर्मेशन क्या है मंगल का? सन, पढ़िए सन कहाँ है? सन का एक तो पोजिशनल स्टेटस है, हाँ 5वें में बैठा हुआ है और 11वें में को रूल कर रहा है, 5, 11 आ गया, 5, 11 आ गया, और सन देखो वो 4 में भी आ रहा है, ध्यान देना, और यहाँ 5वें की इन्वॉल्वमेंट हुई है, दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग सन इन 4th। तो ये क्या कराएगा अगर 5वां है वहां, तो ये दे देगा विद रुकावट के साथ थोड़ा, और क्या करेगा। ओके, तो अब सर व्हाट इज योर ओपिनियन, आप क्या इसको प्रेडिक्शन देंगे? बच्चा होगा सर, होगा, ठीक है, डिले, डिले। अब जरा साइन पढ़िएगा, 11वें कस्ट के ऊपर कौन सा साइन राइज कर रहा है? स्कॉर्पियो, वो भी फिक्स साइन है, ठीक है। सो द प्रॉमिस ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज देयर बट विद द लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिले। ओके, इसकी टाइमिंग हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्यों बड़ा लंबा चलना है वो भी। और होमवर्क आपके लिए ये है, अगर आप इसकी टाइमिंग कुछ कर पाए, जो अभी लिखवाया है रूलिंग, कुछ निकाल के लाइएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, तो कल क्लास होगी आपकी, तो कल करते हैं इसको। अच्छा सर, वो एक लास्ट ये रूल नहीं लिख पाया था मैं, आर्क वाला, को रूलिंग का, कि नोट डाउन द को रूलिंग प्लैनेट ऑफ द 5th हाउस, वन बाय वन चेक ऑल को रूलिंग प्लैनेट्स, सब सब लॉर्ड इन द एंड चेक ऑल द को रूलिंग प्लैनेट्स, दे अपियर इन द प्लैनेट, दे आर, दे अपियर इन द विच सब सब, दे अपियर इन द सब सब, क्या लिखेंगे इसको, चेक ऑल द को रूलिंग प्लैनेट्स ऑफ द 5th हाउस एंड चेक आर दे अपियरिंग, नहीं दे आर अपियरिंग इन द सब सब SSL, नहीं दे आर अपियरिंग इन द सब सब लॉर्ड ऑफ विच प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट इज पोस्टेड इन विच साइन, विच साइन, हाँ ये लिखे। ओके जी, तो मिलते हैं कल, मिलेंगे फिर, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, अगर वक्त आपके पास हो तो इसको टाइमिंग करिए कुछ दशा, और योर कॉन्सेंट्रेशन सुन लें। नीरज जी, इन्वॉल्वमेंट लेवल पे केवल आपने 5, 2, 11 की इन्वॉल्वमेंट देखनी है, इधर उधर देखना नहीं है, और कमिटमेंट लेवल के जो हमने ग्रुपिंग का एक रूल निकाला है उसको फॉलो करिए, और कमिटमेंट लेवल के जो हाउस इन्वॉल्व होता है उसका डेट्रीमेंटल और फेवरेबल और द रिलेवेंट करके लाइए, देखते हैं कितना समझे आप कस्टम को, ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर, ठीक, ओके, थैंक यू।